दोस्तों आखिरकार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत पहुंची गए। चेन्नई एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम में दोनों देशों के प्रमुख अगले दो दिनों में 3 बैठकें करेंगे। इन बैठकों में प्रमुख रूप से ट्रेड इन्वेस्टमेंट जैसे मुद्दे पर जोर दिए जाने की पूरी संभावना है। गौरतलब हो तो हाल फिलहाल के समय में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर को लेकर चाइना को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिससे चाइना की GDP पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा गिर चुकी है। ऐसे में चाइना भारत की तरफ एक मार्केट के तौर पर देख रहा है जो चाइना की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभाल सके। दोस्तों अभी दोनों देशों के बीच 100 बिलियन $ से अधिक का व्यापार होता है, जिसमें ज़्यादा फायदा चाइना ही उठाता है क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट भारत की तुलना में ज़्यादा है। अब सवाल यह है कि भारत इस स्थिति का कैसे फ़ायदा उठाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी ओर चीनी मीडिया ने भी भारत की अपनी नीति को लेकर नरमी बरतना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत के बिना 21वीं सदी एशिया की नहीं हो सकती है। अखबार लिखता है 19वीं सदी यूरोप की थी, 20वीं सदी अमेरिका की और 21वीं सदी एशिया की होगी, पर इसके लिए चाइना व इंडिया को एक दूसरे पर भरोसा करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है।